हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेल रहे हैं BGMI इन Realme X7 Max आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत दिन हो गए मैंने BGMI की वीडियो नहीं डाली है। Realme X7 Max से रिलेटेड iPad की वीडियो तो डाली थी मैंने, तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन कर दिया है रीसेट और पूरा फॉर्मेट हो चुका है, सब कुछ डिवाइस में से क्लियर हो चुका है। ये गेम फिर से डाउनलोड किए हैं सारे के सारे और यहाँ पे पूरी सेटिंग भी वापस से कर देते हैं। लो पे एक्सट्रीम खेलने वाले हैं गेम और यहाँ पे हम देखेंगे कि आफ्टर रीसेटिंग डज फोन हीट और नॉट, मतलब ये जो हीटिंग वगैरह बैटरी ड्रेन की इश्यूज जो मुझे थी वो सॉल्व हुई या नहीं, तो उससे रिलेटेड मैं ये टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर रहा हूँ, ये गेम वगैरह खेल रहा हूँ। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कोई लैग्स वगैरह देखने को मिले या नहीं। वैसे Realme X7 Max ने इस डायरेक्शन में तो कहीं भी हमें सैड नहीं किया है कि आपको लैग्स वगैरह देखने मिले हो या गेम में कुछ खराबी देखने को मिली हो, तो उस फील्ड में तो यार Realme X7 Max परफॉर्मेंस अच्छी करता है। लेकिन अभी मुझे जो इश्यूज आ रहे थे वो था बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा लो मिल रही थी मेरे को। एटलीस्ट मतलब आप समझ लो 4 से 5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था विदाउट इवन प्लेइंग गेम्स, क्योंकि अभी पिछले 1-2 वीक से तो मैं इतना बिजी था कि गेम खेलने का टाइम भी नहीं मिला। और जितना भी गेम का वीडियो मैंने बनाया आईपैड में बस उतना ही गेम खेला था, बाकी अभी तो मुझे कोई टाइम मिला नहीं। बाकी मैंने ये टेस्ट करने के लिए इसलिए बना दिया वीडियो ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि रीसेट सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कम से कम आपको 1-2-3 घंटे लग जाते हैं आराम से अगर आपका पूरा का पूरा मेमोरी फुल है। जैसे मेरी 128 में से 111 GB कुछ फुल थी, तो भाई उसका डेटा का बैकअप लेना और फिर सब कुछ ट्रांसफ़र इधर से उधर करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। उस ट्रांसफ़र करने में ही 20 से 30 मिनट लग गए और फिर उसके बाद उसको बैकअप को देखना कि क्या सब सही से आया है नहीं आया है। तो हमारी टीम के साथ तो उतर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एक स्क्वाड ही उतरी हुई है, तो मैं यहाँ पे नहीं उतरूँगा, मैं दूर जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है ये टीम निपटने वाली है अभी की अभी इसलिए मैं टीम से ही दूर चला जाऊँगा। पहले मैं टीम के साथ ही जा रहा था, मैंने कहा साथ में उतरते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भाई अलग ही काम चल रहा है। और आईपैड में गेम करने के बाद ना भाई आईपैड में ये होता है कि आपके हाथ वगैरह ना थोड़े दुखने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्सबॉक्स कंट्रोलर हो ना आपके पास तो भाई वो एक्सपीरियंस ही अलग हो जाएगा। उसकी स्क्रीन क्वालिटी काफ़ी अच्छी और बड़ी भी है और उतनी बड़ी स्क्रीन में खेलने का मज़ा ही अलग आता है। बस ये होता है कि आपका बड़ा स्क्रीन है तो हाथ भी दुखने लगता है, बाकी एम वगैरह भी सही साइड हो जाता है क्योंकि सामने आपको दिखता है ना बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम दूर दूर का भी आपको सामने दिखता है बिना स्कोप के, तो वो भी अच्छा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन अब आईपैड की बात नहीं करते हुए यहाँ पे Realme X7 Max भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एट दिस प्राइस पॉइंट, और जो ये डिवाइस है ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, तभी मैंने इसको परचेज़ किया था। और अभी भी मतलब अपडेट इसकी 8.20 अच्छी नहीं लगी और 21 अच्छी नहीं लगी, उसके पहले की अपडेट्स काफ़ी सही थी। पता नहीं क्या रीज़न है इसका, इसके पीछे क्या नहीं है, लेकिन अभी मैंने रीसेट कर दिया है ऑलरेडी और मुझे कहीं भी अभी हीटिंग फील नहीं हो रही है। एंड में मैं आपको टेम्परेचर भी शो कर दूंगा इसका, कितना शो कर रहा है ये टेम्परेचर आफ्टर प्लेइंग दिस गेम एंड रिकॉर्डिंग एज वेल। उसके बाद हम देखेंगे कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, कितना क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। वैसे आफ्टर दिस मतलब ये अपडेट के बाद तो भाई बैटरी बैकअप बहुत ही गंदा मिल रहा था मेरे को। 40-40 मिनट के स्क्रीन ऑन टाइम में 20-30% बैटरी चली जा रही थी विदाउट प्लेइंग गेम्स, मतलब नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह चलाने में ही इतनी बैटरी जा रही थी, तो वो तो अनबियरेबल हो गया था बिल्कुल। उसको चार्ज करना ही पड़ रहा था मुझे दो दिन, मतलब एक दिन में 2 बार करना पड़ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल हो गया था, इसलिए मैंने उसको रीसेट कर दिया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब से रीसेट किया है तब से बैटरी इतनी ज़्यादा डिग्रेड, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं हो रही है, तो ओवरऑल इसका भी रिव्यू दूंगा मैं आफ्टर 1 or 2 days कि आफ्टर रीसेटिंग इन 8.21 डज इट वर्क प्रॉपरली और नॉट। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के कमेंट्स आए कि हमें बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो मैंने कहा हमारे डिवाइस में क्या खराबी हो गई, अभी तो इतना हार्डकोर मैंने यूज़ भी नहीं किया इसको, 2-3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी और मैंने अभी इतना हार्डकोर मतलब इतना मैं 24/7 गेम्स भी नहीं खेल रहा हूँ, चार्जिंग पे भी नहीं लगा कुछ भी, मतलब नॉर्मल यूसेज करता हूँ मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है मेरे को कि मैं 24 आवर्स तक या फिर 12 घंटे भी गेम खेल लूँ। तो जो लोग खेलते हैं हार्डकोर उनका डिवाइस में कोई इशू आए तो समझ में आता है, लेकिन हम तो यार इसको बड़े प्यार से यूज़ कर रहे हैं तो हमें इशू नहीं आना चाहिए। बाकी और Realme को ऐसी स्टेबल अपडेट देनी चाहिए ना कि आपको रीसेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, मुझे तो ये लगता है ना।
मैंने अभी तक कोई सी भी अपडेट में रीसेट नहीं किया, लेकिन 8.21 ने मुझे मजबूर कर दिया रीसेट करने के लिए। लेकिन उसके बाद अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अभी बिल्कुल भी हीटिंग वगैरह फील नहीं हो रही है, वरना अभी तक तो हल्की हल्की कैमरा के पीछे हीटिंग फील होने लगती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा है हीटिंग से रिलेटेड, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। सामने भी कोई नहीं दिख रहा है मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कोई दिख जाए तो इसका VSS से शूट करके देखें। वैसे VSS का डिस्टेंस बहुत कम होता है, आप शूट करोगे तो आपको पड़ेगी भी नहीं, अगर आप थोड़ा ऊपर से करोगे तो पड़ती है गोलियाँ, तो ये भी होता है VSS में। बाकी और कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक रीसेट करने के बाद मुझे। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि यार आपको 8.21 कैसा लगा ओवरऑल। वैसे मुझे तो भाई वो जो ग्लैंस वगैरह डाल दिया है वो मुझे काफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कि मतलब रियलमी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग एड्स, यार उनको पैसे मिले ऑब्वियसली, लेकिन कस्टमर्स ने भी तो पैसे दिए हैं ना, उनको भी ये भी तो सोचना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मैं कार पे शूट कर रहा हूँ, तो वो देख कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, थोड़ी ऊपर से करके करो तो वो पड़ती है गोलियाँ। VSS की ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे और कोई दिक्कत तो यार मुझे कुछ फेस नहीं हुई रिगार्डिंग पिंग इशू वगैरह कुछ भी, मतलब कई सारे यूजर्स को पिंग इशूज आए कि उनका पिंग बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था इन BGMI एंड ऑल। तो मैंने कहा यार वाईफाई और मैंने डेटा से भी टेस्ट करके दिखाया था नेटवर्क स्पीड टेस्ट में, कि मेरे को ऐसा कोई भी इशू नहीं जा रहा था उस टाइम पे। कैमरा वगैरह तो यार फ्रंट कैमरा एवरेज है, बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं फ्रंट कैमरा को, लेकिन बैक कैमरा काफ़ी अच्छा है। इसकी फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप देखना इसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है। बिना एडिटेड फोटो, अनएडिटेड फोटो रहती हैं जो खुद ये कैप्चर करता है बिना किसी AI मोड, बिना किसी चीज़ के, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ खींच देता है ये बैक कैमरा से। तो अगर आप चाहते हो फोटोज़ वगैरह सैम्पल्स देखना तो वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे देख सकते हो, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आए तो मैसेज भी कर सकते हो। और एक बात ये कि इसके रीसेट के बाद आपका सब कुछ आपको क्लियर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप रीसेट तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, ठीक है ना। अगर आप अकेले नेटवर्क के लिए रीसेट करो तो नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर दो, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ये सोचोगे ना आपने अपनी ऐप्स अकेले क्लियर कर दी और आपका पूरा रीसेट हो गया प्रॉपरली, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। आपको पूरा ही रीसेट करना चाहिए क्योंकि यार इतनी मेहनत कर रहे हो जब आप ऐप अनइंस्टॉल कर ही दे रहे हो, तो बस डेटा का बैकअप लेके आप पूरा का पूरा अनइंस्टॉल करके पूरा का पूरा फ्रेश रीसेट करो ना, तो उसमें क्या होता है आपका फ्रेश एकदम नए जैसा डिवाइस हो जाता है, और कोई भी जितने भी एरर्स आए हुए होते हैं ड्यूरिंग दिस अपडेट्स एंड ऑल वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जैसे कि मुझे भी मिल रहा है अभी 24 आवर्स से भी कम हुए हैं मुझे रीसेट करे हुए इसको, तो अभी ओवरऑल मैं कह नहीं सकता। लेकिन बैटरी बैकअप जो इंस्टेंटली डिग्रेड हो रहा था, एकदम से मतलब 5-5% गिर रहा था, वाइल मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और 5-5% अपने आप ऑटोमेटिकली गिर रहा है, तो वैसा तो मुझे देखने को नहीं मिला यहाँ पे, और कोई भी ख़राबी नहीं देखने को मिली अभी रिगार्डिंग दिस बैटरी बैकअप आफ्टर रीसेटिंग। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा बैकअप मिल रहा है 8.21 में, क्योंकि कई सारे यूज़र्स को ज़्यादा मिल रहा है, कई सारे को कम मिल रहा है। अब ये मुझे रीज़न समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब डिवाइस एक है आपके पास, अपडेट सेम है, तो आपको रिजल्ट्स अलग अलग कैसे मिल सकते हैं, ये मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है रियलमी के थ्रू, कि अगर आप डिवाइस आपका सेम है, आप अपडेट्स भी सेम दे रहे हो, तो ऐसा दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अगर डिवाइसेस में एक आध जैसे मेरा अकेला फ़ोन में ऐसा आ रहा होता तो मेरे को लगता कि हाँ यार शायद मेरा फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे जिनको प्रॉब्लम हुई है 8.21 में, ऐसे कमेंट्स बहुत भी देखे कि जिनके बैटरी बैकअप इंक्रीज़ हुए हैं 8.21 में, तो मतलब कुछ एकदम सर्टेनिटी नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे कि आपको अच्छा ही मिल रहा है या बुरा ही मिल रहा है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। ये मैंने कमेंट भी किया था और ट्विटर पे पोस्ट भी किया था रिगार्डिंग दिस इशू ऑन रियलमी, वहाँ पे से बस वही सेम टू सेम रिप्लाई आया है कि वी आर वर्किंग थ्रू इट एंड दिस एंड दैट, और BGMI को 70 FPS पे फिक्स करने का उनका यही इशू था कि फ़ोन ओवरहीट हो रहे थे 90 FPS पे, और उनको लगा कि इसको रीसेट करना, मतलब इसको 70 पे ही रहने देना इज़ अ बेटर ऑप्शन रेदर देन गोइंग फॉर 90, क्योंकि फ़ोन ओवरहीट होगा आपको परफॉर्मेंस ऐसी मिलेगी नहीं, और ऐसा ऐसा उनका इशू, ये उनका कहना था। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिनको भी अगर इशू आते 90 FPS पे ओवरहीट होती तो वो एक्सट्रीम पे स्विच करके 60 FPS पे खेल लेते। मैं भी 60 पे ही खेलता हूँ, मैं कोई 90 पे नहीं खेलता हूँ, लेकिन एज एन एड ऑन मिल जाता वो 90 FPS कि हाँ यार आपके पास 90 FPS है।
कोई भी उसको 24/7 90 FPS पे खेलने वाला नहीं था, लेकिन इट इज़ जस्ट एन फीचर कि भाई आपने दिया है डिवाइस, आपके भाई मिल रहा है। तो मैं रियल मी से कहीं ना कहीं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने 70 पे फिक्स कर दिया। कोई भी 70 पे भी नहीं खेलने वाला, मैं भी एक्सट्रीम पे ही खेल रहा हूँ अभी भी, हमेशा ही एक्सट्रीम पे खेलता हूँ, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो या कुछ भी करो आपका जो फ्रेम रेट है वो 60 पे ही स्विच होगा। ये एक बंदा आ रहा है 60 पे ही सेट रहेगा, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है 90 पे खेलने की। जब वो रिकॉर्ड ही हो रहा है 70, मतलब रिकॉर्ड ही 60 पे होगा, तो आपको 90 पे खेल के मिल के जाएगा। प्रॉब्लम इज़ दैट, तो कोई भी मतलब यूज़र इतना नहीं खेलता है 90 FPS वगैरह पे। तो और कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी तो मुझे कोई भी इश्यूज फेस नहीं हो रहे हैं Realme X7 Max में। यहाँ भी बंदे को मैंने ख़त्म कर दिया है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है भाई। लैग वैग भी देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक, तो जितने भी गेम प्ले हुआ है 10-15 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके मैंने और सारे गेम प्ले भी बनाए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी तो यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। होपफुली यहाँ पे हम जीतने के तो चांसेस बहुत कम है, 36 लोग बचे हुए हैं और एक अकेला बंदा मैं। अब देखते हैं, ट्राई करेंगे यार चिकन डिनर मिलने की। और आईपैड में तो भाई लग अच्छा काम करता है, वहाँ पे तो हमेशा हम एंड पे पहुँच जाते हैं। मतलब किस्मत तो वाली बात होती है, आप फर्स्ट गेम में आप ऐसा कर रहे हो, तो ये भी मेरा फर्स्ट ही गेम है आफ्टर सो लॉन्ग, और मैं इसको कुछ भी एडिट नहीं करने वाला हूँ। मुझे चिकन डिनर मिले नहीं मिले, लेकिन मैं इस गेम को ऐसे का ऐसा ही डालूंगा, तो देखते हैं क्या मिलता है। बाकी और अगर आपको कोई और दूसरे गेम्स खेल देखने हो चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये गेम टेस्ट करो, वो गेम टेस्ट करो, मैं सारे गेम टेस्ट कर दूंगा Realme X7 Max में। और अभी भी यार ये वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे, 25,000 में मिलता है। तो बहुत सारे यूज़र्स ये भी कमेंट करते हैं कि मुझे अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा भाई अगर आपको 25 के नीचे मिल रहा है, 24 तक 25 तक, तो आप ले सकते हो इसको। मैंने भी 25 में ही बाय किया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई है मुझे अभी तक ऐसी मेजर दिक्कत कि मुझे रिग्रेट हुआ हो कि मैंने Realme X7 Max क्यों ले लिया। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं यार, अब वो इतनी प्राइस रेंज पे दे रहे हैं, इतने कम दामों पे दे रहे हैं, तो यार कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे, जैसे कैमरा हुआ या फिर ऐसी कोई चीज़ें। और बैटरी बैकअप मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप मुझे बैटरी बैकअप 12 घंटे का दे दो, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ ये सब चीज़ें आपसे रियलमी वालों से। मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे बस 6-7 घंटे का भी दे दोगे, मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि पूरा दिन निकल जाएगा मेरा। मैं इससे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूँ और मुझे ज़रूरत भी नहीं है इससे ज़्यादा की। तो अगर आप मुझे 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप दोगे तो इट इज़ वेल गुड, और मैं उसकी तारीफ ही करूँगा। स्टार्टिंग में मुझे 6-7 घंटे का ही मिल रहा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इसमें से भी 3-4 घंटे मिल रहा है, 4-5 घंटे मिल रहा है, तो यार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है विदाउट प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलते तो वो 2-2.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाता सब, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, तो ये एक इशू को देखना चाहिए। आप देखते हैं 8.21 में अपडेटेड, फुल्ली अपडेटेड है, रीसेट भी कर दिया, आप देखते हैं बैटरी बैकअप का क्या इशू आता है। बाकी आना तो नहीं चाहिए अभी तक, जैसे भी फिलहाल जो भी चल रही है टेम्परेचर बिल्कुल भी रेज नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ फुल और यहाँ पे टेम्परेचर भी रेज नहीं हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है भाई आफ्टर रीसेटिंग। अगर आपको भी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप रीसेट कर सकते हो, बैकअप पहले ले लेना, पूरा का पूरा रीसेट करना। नहीं आता है आपको रीसेट करना अच्छे से, तो आप मेरी वीडियो देख लेना, लास्ट वीडियो मैंने रीसेटिंग के ऊपर ही बनाई थी, तो वो देख लेना, अब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन से सिलेक्ट करके रीसेट करना है। बाकी एक बंदा आ चुका है यहाँ पे, इसको तो मारूंगा मैं, कहाँ से आएगा भाई। शॉर्ट गन रखे हुए था यार, 2 शॉट में ढेर कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने बोला था भाई कोई भी एडिट वेडिट नहीं करूँगा, जैसी वीडियो है वैसी डालूंगा। तो यहाँ पे 13th नंबर पे आए हैं अपन, एग्जिट हुए और MVP भी बन गए, 1 किल के साथ गजब हो गया बिल्कुल ही। और यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा दूंगा अपना कि कितना टेम्परेचर आया है। बाकी ओवरऑल गेम प्ले तो भाई बिना लैग के अच्छे से चला है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ कमेंट करके बताना, और मैं उसका इशू जो भी होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 35.6 डिग्री
टेम्परेचर देखने को मिला है काफ़ी अच्छा है यार ये, अभी तक तो 38 तक पहुंच जाता था आफ्टर रिकॉर्डिंग, हो सकता है जस्ट बिकॉज माई एटमोसफेयर टेम्परेचर इज़ वेरी लो इसकी वजह से ये हुआ है कम। बाकी अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी प्लेलिस्ट है, रियल मी एक्स सेवन मैक्स की एसेसरीज़, आईपैड की एसेसरीज़ वगैरह की प्लेलिस्ट भी हैं, तो आप अगर चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम के हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अपन जहाँ जाओ वहाँ से आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।